हाय दोस्तों, मैं हूं प्रशंजीत जी। तो और आप देख रहे हैं इजी एक्सेल। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पाइवट टेबल के बारे में और भी थोड़ा डिटेल्स में चीज़ों को समझेंगे। और ये पाइवट टेबल का पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइवट टेबल एक क्रिएट कर लेते हैं। तो इंसर्ट में चलेंगे, ऑलरेडी मेरा एक्सेल यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है डेटा के अंदर, और यहाँ पर आके पाइवट टेबल पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो विंडो आता है विंडो खुल गया है। अभी ओके करेंगे, जैसे ओके करता हूँ तो देखिए अगले वाले एक शीट में ये पाइवट टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया दोस्तों। ठीक है, अभी चलिए स्टेट वाइज एक बार सेल देख लेते हैं 2019 का। तो जैसे मैं स्टेट पे क्लिक किया वो रो लेवल पे आ गया, और 2019 पे क्लिक किया तो वो वैल्यूज पे आ गया, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो पे पाइवट टेबल के ऊपर जो वीडियो था पार्ट वन में मैंने बताया था। लेकिन दोस्तों ये कैसे हो रहा है, ये कैसे क्लासिफाइड हो रहा है कि स्टेट ही रोज में जाएगा 2019 वैल्यूज पे आएगा? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि 2019 रोज पे आ रहा है और स्टेट वैल्यूज पे आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है आपके ये जो कॉलम है, इस कॉलम के अंदर कैसे किस तरह का डेटा है। मतलब डेटा अल्फाबेटिकल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे है स्टेट में या फिर सिटी या फिर एम्प्लॉय नेम में, या फिर न्यूमेरिकल हो सकता है जैसे 2018-19 में दिया हुआ है, या फिर हो सकता है सिम्बॉलिक। ठीक है, अगर आपके डेटा जो है वो अल्फाबेटिकल या फिर सिम्बॉलिक है तो वो आ जाएगा रोज पे, और अगर वो न्यूमेरिक है तो वो आ जाएगा वैल्यूज पे। अगर दोस्तों न्यूमेरिक है फिर भी ये फॉर्मेट जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर होता तब भी ये यहाँ पे रोज पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस हिसाब से मतलब आपके डेटा का जो इसका मतलब कि आपका अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिक है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये यहाँ पे क्लासिफाइड हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे स्टेट वाइज और सिटी वाइज। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने सिटी पे क्लिक किया और उसका स्टेट पे क्लिक किया तो ये किस ऑर्डर पे आ गया, किस ऑर्डर पे आता है बेसिकली। तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, पहले मैंने दबाया सिटी उसके बाद दबाया स्टेट, तो इस हिसाब से यहाँ पे आता है और इसी हिसाब से यहाँ पे डेटा पॉपुलेट होता है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे मैन्युअली ट्रैक करके भी इसको रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने सिटी को स्टेट के अंदर लाना चाह रहा हूँ तो देखिए जैसे मैंने ड्रैग करके इसको नीचे लाया, यहाँ पे देखिए जैसे मैंने सिटी को स्टेट के नीचे लाया तो ये स्टेट ऊपर चला गया और डेटा समराइज्ड हो गया अच्छी तरह से। क्योंकि हर एक सिटी के बाद हर एक स्टेट आएगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन स्टेट के अंदर सिटी आएगा तो ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली इस स्टेट के अंदर दो सिटी है। ठीक है, तो लाइन आइटम यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, डेटा समराइज हो गया और प्रेजेंटेबिलिटी भी इसका बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, अभी यहाँ पे है एक चीज दोस्तों, मान लीजिए हम लोगों को देखना है कि एम्प्लॉय कितना है मेरा। ठीक है, स्टेट वाइज हम लोगों का एम्प्लॉय कितना है, तो सारे अनचेक कर देता हूँ, स्टेट को छोड़ के स्टेट को रहने देता हूँ और एम्प्लॉय नेम देखना है। तो क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम को हम लोग ड्रैग करके यहाँ लाएंगे। दोस्तों ड्रैग करके क्यों लाया, जैसे मैंने कहा कि अगर आप क्लिक करते हो ये ऑटोमेटिकली, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता तो ये रो लेवल पे चला जाता। देखिए जैसे चला आया यहाँ पे, क्यों आया, क्योंकि एम्प्लॉय नेम में जो डेटा था हम लोगों का वो था अल्फाबेटिकल, तो जिसकी वजह से ये क्या हुआ, रोज पे आ गया। तो इसको आपको मैनुअली लाना पड़ेगा। मैनुअली कैसे लाएंगे, इसके ऊपर आएंगे, कर्सर रखेंगे, रखने की बात माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करके रखेंगे, उसके बाद इसको ड्रैग करके वैल्यू में लाएंगे। जैसे कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू वाला कॉलम को आप वैल्यूज पे ट्रैक करके लाते हो, वो क्या करता है, उस सारे वैल्यूज का यहाँ पे काउंट दिखाता है, ना कि साम। नॉर्मली न्यूमेरिकल वैल्यूज जब भी हम लोग क्लिक करते हैं ये नॉर्मली वैल्यूज पे आ जाता है, आके सम हो जाता है, लेकिन अल्फाबेटिकल वैल्यूज अगर आप वैल्यूज पे डालते हो, इस फील्ड पे डालते हो, तो ये यहाँ पे काउंट दिखाता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे देखिए काउंट दिखा रहा है, तो हम लोगों को मिल गया आसानी से, हिमाचल प्रदेश में 2 एम्प्लॉय है हम लोगों का, महाराष्ट्र में 4 है, उड़ीसा में 3 है, तमिलनाडु में 2 है और वेस्ट बंगाल में 3 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को काउंट मिल गया। अभी दोस्तों चलिए एक और सिटी को ऐड कर देते हैं रोज पे। सिटी को मैंने रोज पे ऐड कर लिया, तो यहाँ पे सारे एक एक है, तो एम्प्लॉय यहाँ पे दिखा रहा है, और अभी एम्प्लॉय को हटा देते हैं, अभी फिलहाल सेल के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मान लीजिए आपको फिल्टर लगाना है, पर्टिकुलर किसी एक स्टेट का आपको देखना है, तो स्टेट को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, स्टेट को हटा दिया, अभी यहाँ पे सिर्फ सिटीज है। अभी दोस्तों स्टेट को आप फिल्टर में लाइए, जैसे ड्रैग, जैसे मैंने कहा आपको आप ड्रैग करके मैन्युअली इसको फिल्टर पे ला रहे हो तो ये ला सकते हो, तो ऐसे आप मैंने यहाँ पे ला दिया। अभी यहाँ से हम लोग फिल्टर लगा सकते हैं स्टेट के ऊपर, देखिए यहाँ पे, और फिल्टर हमेशा ये फर्स्ट रो पे ही आता है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट होता है हमेशा टेबल के बाहर, प्राइवेट टेबल के बाहर क्रिएट होता है, तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शंस दिख रहा है हम लोग को, स्टेट का नेम दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ब्लू कलर हो गया, मतलब ये हम लोग का सिलेक्ट हो गया। अभी इसको ओके करेंगे तो देखिए बस फिल्टर लग गया, वेस्ट बंगाल का डेटा हम लोग को मिल गया।
अभी मान लीजिए हम लोग को देखना है वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस के साथ हम लोग को जाना होगा। मल्टीपल ऑप्शंस के अगर साथ जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आके क्लिक करना होगा, उसके बाद ये बॉक्सेस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आप क्लिक करके मल्टीपल आइटम्स को चूज कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। इसके बाद इसको ओके कर देंगे, जैसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल का यहाँ पे सारे सिटीज जो हम लोगों के डेटा में है वो दिखा रहे हैं। लेकिन आपको शायद आप लोगों को ये दिख नहीं रहा कि सब टोटल नहीं है। क्यों सब टोटल नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पे डेटा में स्टेट नहीं है। ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप स्टेट को भी रोज में डाल सकते हो, लेकिन तब ये फिल्टर यहाँ से उठ जाएगा। लेकिन फिल्टर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन रोज में होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है रोज में, बस उसी में आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। मतलब देखिए सारे हमें आप यहाँ पे अनचेक कर देता हूँ, फिर से स्टार्ट दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए स्टेट क्या है, स्टेट अभी फिलहाल हमारे फर्स्ट ऑप्शन है रोज में, ठीक है। तो आप फिल्टर बस इसी में लगा सकते हो, जैसे यहाँ पे अभी लगा हुआ है, इसको मैं ऑल सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बाद सिटी यहाँ पे डालोगे तो सिटी में आप फिल्टर नहीं लगा सकते हो। सेम वाइज अगर सिटी आपका फर्स्ट ऑप्शन होता और सिटी के नीचे स्टेट होता तो आप यहाँ पे सिटी पे फिल्टर लगा सकते थे, लेकिन आप स्टेट के ऊपर फिल्टर नहीं लगा सकते हो। तो मतलब जो भी यहाँ पे फर्स्ट रहेगा, ऊपर रहेगा, जो सबसे ऊपर, उसी के ऊपर फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक तो फिल्टर आप स्टेट को इस फिल्टर ऑप्शन में डाल के कर सकते हो, या फिर स्टेट को यहीं पे देखना चाहते हो साथ ही साथ फिल्टर भी लगा सकते हो। यहाँ से ऐसे क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद वेस्ट बंगाल यहाँ पे आ गया दोस्तों। और देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल स्टेट नेम भी दिखा रहा है, साथ ही साथ सिटीज भी दिखा रहा है, तो समझने में आसानी हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र में 4 है, वेस्ट बंगाल में 3 है, ठीक है। सेल डाल लेता हूँ यहाँ पे तो देखने में आसानी होगा। देखिए सेल डाल दिया, अभी देखिए स्टेट वाइज सिटी वाइज दिखा रहा है, और जो भी चाहिए आप यहाँ पे फिल्टर करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी इसके साथ एम्प्लॉय भी जुड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं। देखिए कितना बड़ा डेटा हो गया, पहले स्टेट आ गया, उसके बाद सिटी आ गया, सिटी के अंदर एम्प्लॉयज आ गया, उसके सेल दिखा रहा है, कितना बड़ा डेटा हो गया। तो थोड़ा बहुत फॉर्मेट को अगर हम लोग मॉडिफाइड कर पाते तो बहुत अच्छा होता, डेटा प्रेजेंटेबिलिटी और भी बढ़ जाता। तो चलिए कोशिश करते इसका जो फॉर्मेट, इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले पाइवट टेबल के अंदर कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद माउस से राइट क्लिक करेंगे। जैसे माउस से राइट क्लिक करेंगे, छोटा सा देखिए ऑप्शन खुल जाता है, यहाँ पे ऑप्शन में आके एकदम सेकंड लास्ट, मतलब लास्ट के ऊपर वाला जो ऑप्शन है प्राइवेट टेबल ऑप्शंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे एक छोटा सा विंडो यहाँ पे खुल जाता है, और इसका थर्ड ऑप्शन मतलब डिस्प्ले में आके क्लासिक प्राइवेट टेबल लेआउट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब इसको एनेबल कर देंगे। जैसे ही इस बॉक्स में मैं क्लिक करता हूँ, ये टिक मार्क आ गया, मतलब ये अभी एनेबल हो गया, और इसको ओके कर देंगे। तो दोस्तों ये जो क्लासिक प्राइवेट टेबल है, इसको बाय मतलब डिफॉल्ट किया जा सकता है, मतलब जब भी आप प्राइवेट टेबल क्रिएट करोगे तो ये एज ए डिफॉल्ट ऑप्शंस, ये प्राइवेट टेबल जो है वो क्लासिक डिस्प्ले में ही क्रिएट होगा, इसका भी ऑप्शंस है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ये कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अभी ये क्रिएट हो गया, और सब जगह से हम लोग सब टोटल को हटा देंगे ताकि डेटा छोटा हो जाए और देखने में भी अच्छा लगे। तो देखिए मैंने सारे सब टोटल हटा दिया। अब सब टोटल हटाया कैसे, देखिए मैं अंडू कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। सबसे पहले जिस कॉलम में, हर एक कॉलम में सब टोटल होता है, जितने भी कॉलम रोज में होता है सब में सब टोटल ऑटोमेटिकली लग जाता है, ठीक है। सब में हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक एक कॉलम में जाइए, मतलब ये कॉलम स्टेट का कॉलम है, ठीक है, तो इसमें आइए, इसके बाद राइट क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सब टोटल स्टेट, मतलब ये स्टेट का सब टोटल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्टेट से जो सब टोटल था वो सारे स्टेट का सब टोटल हट गया। अभी सिटीज के सब टोटल हटाने के लिए सिटी के ऊपर आएंगे, कोई भी एक सेल सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए सब टोटल सिटी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी सब टोटल वाला जो यहाँ पे टिक मार्क लगा हुआ था वो हट गया, मतलब आपका सब टोटल हट गया। फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसके बाद और कोई डेटा नहीं है रो पे, तो जिसके वजह से एम्प्लॉय नेम में सब टोटल टिक मार्क किया हुआ है, लेकिन सब टोटल करने की कुछ है नहीं, तो जिसके वजह से यहाँ पे सब टोटल नहीं दिख रहा है। तो आप चाहिए तो आपको अगर लग रहा है हटाने के तो आप हटा सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए डेटा कितना समराइज हो गया है दोस्तों, और साथ ही साथ बहुत ही प्रेजेंटेबिलिटी बढ़ गया है। यहाँ पे स्टेट में ब्लैंक सेल आ रहा है, क्यों ब्लैंक सेल आ रहा है, क्योंकि देखिए हिमाचल में 2 सिटी है, तो हिमाचल के अंदर 2 लाइन आइटम क्रिएट हो गया, तो जिसकी वजह से क्या करता है प्राइवेट टेबल, सबसे ऊपर वाला जो लाइन आइटम होता है बस उसी में ही
दिखाता है और जो आप लोग का डेटा है जो हम लोग का वो डेटा दिखाता है, बाकी वो ब्लैंक छोड़ रहता है ताकि फाइल हैवी ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि देखिए ये भी मुंबई में दिखा रहा है, महाराष्ट्र ये सबसे पहला वाला सिटी है तो इसी में दिखाएगा, बाकी छोड़कर ये आपको समझ लेना पड़ेगा कि मतलब ये महाराष्ट्र के अंदर ही सब कुछ है। लेकिन इससे क्या होता है, डेटा का प्रेजेंटेबिलिटी खराब हो जाते हैं, तो हम लोगों को ये ब्लैंक नहीं छोड़ा है। साथ ही साथ अगर आप इस रिपोर्ट को फर्दर कॉपी करके किसी जगह पे उसके ऊपर काम करने जाओ तो सॉर्टिंग वोटिंग करने में दिक्कत होता है, तो ब्लैंक सेल जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। ठीक है, तो इसको फिल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, राइट क्लिक कीजिए माउस के, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा फील्ड सेटिंग नीचे एकदम, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए विंडो खुल गया है, विंडो में आ रहा है लेआउट, तो इसमें रिपीट ऑप्शन को चेक कर देंगे हम। जैसे ही व्हाइट बॉक्स में आके क्लिक करते हैं ये टिक हो जाता है और ये चेक मतलब एनेबल हो जाता है ये ऑप्शन, इसको ओके कर देंगे। तो देखिए जैसे ही ओके किया मैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ गया और कोई भी ब्लैंक सेल यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए सारे ऑप्शन रहेगा, जिसको दरकार पड़ेगा वो देखेगा, जिसको दरकार नहीं पड़ेगा वो नहीं देखेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डेटा को कोलैप्स करेंगे, साथ ही साथ अगर अगर ये जरूरत पड़े तो इसको एक्सपेंड भी करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, मान लीजिए मुझे सिटी वाइज डेटा को कोलैप्स करना है, हालांकि इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही सिटी में एक ही एम्प्लॉई है, अगर दो होता तो इससे सुविधा होता। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। पहले इस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए या फिर कोई भी कहीं पे भी एक सेल सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आएंगे यहाँ पे एक्सपेंड पे आएंगे और एक्सपेंड करके यहाँ पे आएंगे कोलैप्स एंटायर फील्ड। ठीक है, तो देखिए कोलैप्स एंटायर फील्ड करने से क्या होगा, सामने वाला जो पूरा डेटा है वो इसके अंदर हाइड हो गया है और ये कोलैप्स हो गया। ठीक है, आप इंडिविजुअल किसी एक सिटी का भी डेटा को आप एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखिए इसके लेफ्ट में एक प्लस माइनस सिंबल आता है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए आगे वाला डेटा ये अनहाइड हो जाता है या फिर शो हो जाता है या फिर एक्सपेंड हो जाता है। ठीक इसी तरह से आप स्टेट में भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कोई भी एक सेल सिलेक्ट कर लो, उसके बाद ऑप्शन में आके देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपेंड एंड कोलैप्स, यहाँ पे आके आप कर दो कोलैप्स एंटायर फील्ड। जैसे मैं कोलैप्स एंटर फील्ड किया तो देखिए सारा डेटा जो है वो सारे के सारे हाइड हो गया और यहाँ पे स्टेट वाइज सेल्स हम लोगों को मिल गया दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप डेटा को आपकी जरूरत के हिसाब से कोलैप्स या फिर एक्सपेंड भी कर सकते हो। ठीक है, अभी दोस्तों एक चीज यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल फील्ड जो है यहाँ पे दिखा रहा है, हम लोग का पाइवट टेबल लग गया है, हम लोग सब अरेंज कर लिए जरूरत के अनुसार। अभी इसको हटाना है, ये अगर रहेगा तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हाइड करना है। तो कैसे हाइड करेंगे, फिर से टेबल में आइए और राइट क्लिक कीजिए माउस से, क्लिक करने के बाद नीचे का ऑप्शन आता है हाइड फील्ड लिस्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया तो देखिए ये यहाँ पे हाइड हो गया। फिर से लाने के लिए फिर से राइट क्लिक कीजिए और शो फील्ड लिस्ट हो गया, इसको क्लिक कीजिए तो ये शो हो जाएगा। इसको आप मूव भी कर सकते हो, कैसे मूव कर सकते हो, एकदम ऊपर आ जाइए जहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट टेबल फील्ड, इसके ऊपर आते ही देखिए ये सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, माउस का जो कर्सर है उसका सिंबल चेंज हो जाता है। जैसे सिंबल चेंज हो जाता है इसको मूव कीजिए, कहीं पे भी रखिए और काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये सारे ऑप्शन छोटा छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हो उसको मूव करने के लिए तो मूव कर सकते हो। ठीक है, इसको आप अगर काट देंगे यहाँ से ये चला जाएगा। ठीक है, और ये फिर से आ जाएगा अगर आप इसे शो करोगे, तो इस तरह से भी आप इसको हाइड कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों पाइवट टेबल पार्ट टू में बस इतना ही था, चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में समझे, आई होप कि आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे तो प्लीज़ वीडियो को फिर से शुरू से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों के लिए भी ये बहुत आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फिर मिलेंगे एक नया फंक्शन के साथ, नया आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।